बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली में बैठक करने के बाद पटना पहुंचे। आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली में कुरहनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि कुरहनी सीट बीजेपी जीतेगी। पटना पहुंचकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि वह झूठे और फरेबी हो गए हैं। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को नीतीश कुमार दोबारा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वेबसाइट में पंचायती राज समय में क्यों नहीं बांट लिया नियुक्ति पत्र? अरे भैया, यही तो कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी अब झूठे और फरेब भी हो गए। अब ये बताइए कि जिसकी नियुक्ति के बाद 26 जून को नियुक्ति हो गई और 15 तारीख का पदस्थापन हो गया, 15 जुलाई में, अब तो शर्म लग रहा है लोगों को। ये तो बताएं कि कब उसकी पोस्टिंग हुई, आप देखिए वेबसाइट में, पंचायती राज के वेबसाइट पर 15 जुलाई को उन लोगों की पोस्टिंग हो गई। इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है कि जो नौकरी कर रहा है उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मरका झूठा पार्टी बन गए हैं आप लोग। आज ट्वीट किया और कहा कि जिस तरीके से गोपालगंज, ललन सिंह कह रहे हैं बरका झूठा पार्टी है आप लोग, जिस तरीके से गोपालगंज में आपके वोट परसेंट गिरे हैं उसको। ललन सिंह का राजनीतिक हैसियत क्या है? ललन सिंह है कौन? अरे वो नीतीश कुमार के नौकर हो सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है बिहार की राजनीति? कुर्नी को लेकर पूरी तरह चुनाव, नीतीश कुमार जेडीयू लड़ने जा रही है कुर्नी में सर।